नमस्कार, मैं दीपक कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का बिगिन टू लर्न पर। बिगिन टू लर्न की फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में, तो ये क्लास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है, केमिकल और पेन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए, या फिर उन सभी बच्चों के लिए जिनके सेमेस्टर में, जिनके सिलेबस में फंक्शनल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है। तो स्वागत है सभी का फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे ऑन कम्युनिकेशन, जो कि फंक्शनल कम्युनिकेशन का इंग्लिश सेक्शन का सेक्शन ए का फर्स्ट चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। तो हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले कुछ जनरल बातें, सामान्य सी बातें, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को सिलेबस डिस्कशन करते समय बता दिया था कि आप यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए, और कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी कहा था कि आप बुक कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने इन सभी कमेंट्स को देखने के बाद आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों की सुविधा के लिए यही सेम चीज सेम PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ प्रोवाइड करा दिया है मैंने ये वाला जो मैटर है पूरा का पूरा। तो अभी वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास सेम सिलेबस हो जाएगा, सेम मैटर हो जाएगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए, और अगर आपने गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया, मैंने देखा है कि गूगल क्लासरूम में बहुत ही कम बच्चे हैं, वहाँ नहीं आए हैं, तो गूगल क्लासरूम को भी आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ले लीजिए लिंक। वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने बताया है आपको। तो हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, हर चीज़ जहाँ भी जो चीज़ अवेलेबल हो सकेगी वहाँ मैं अवेलेबल कराऊंगा। जैसे फेसबुक पर आपके लिए मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, यूट्यूब पर आपको मैं यहाँ से वीडियो दे रहा हूँ, तो हर जगह से आप यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही आपको गूगल क्लासरूम पर भी इसके PDF और नोट्स और लिंक इसके मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। तो चलिए, इतनी सी बात, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कि अपने दोस्तों में ये सारी वीडियोज को शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी पहली वीडियो है और इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, उन सभी को अपने दोस्तों के साथ, जिस भी पॉलिटेक्निक को बिलोंग करते हैं, उन सभी के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी, किसी के पास कभी भी टीचर अवेलेबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से केवल आप एक लिंक शेयर करेंगे और फटाफट से उनको एक पूरा चैप्टर का सिलेबस का वीडियो उनको मिल जाएंगी घर बैठे ही। तो सभी को ये शेयर करते रहिए, आप उनका भी भला करिए, उनकी मदद करिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है, वो है ऑन कम्युनिकेशन। तो इस कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में हम जानेंगे किस तरीके से हमने जब लास्ट सेमेस्टर में, लास्ट ईयर, मतलब सबसे पहले कम्युनिकेशन फर्स्ट जो हमने कम्युनिकेशन के फर्स्ट जो चैप्टर में बुक में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कम्युनिकेशन होता क्या, किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े थे। अब यहाँ पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, किस किस तरीके से कम्युनिकेशन को डेवलप किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज की गई है, किस तरीके से कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए हमारा जो होल यूनिवर्स है, वर्ल्ड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, एक रेवोल्यूशन इसमें आ गया है, तो वही सारा कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। और इसमें जिक्र भी किया है कि एंशियंट टाइम में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता था, और आज हम मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो उस समय कम्युनिकेशन आप देख लीजिए किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कितना जल्दी, कितना ईजी और कितना फास्ट हो गया है। चलिए, तो सभी अपने अपने मोबाइल में फाइल खोलें, या जहाँ भी आपके पास फाइल है, बुक है, जो खोल लीजिए। अगर नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर ये चीज दिख रही है, आपको खोलने की जरूरत नहीं रहेगी, तो पूरी फाइल आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, देख पा रहे हैं आप। तो फर्स्ट पैराग्राफ में रीड कर रहा हूँ, इसे देखेंगे जरा, इसमें लिखा हुआ है द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर विद द इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेज सच एज टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन। तो उस पूरे पैराग्राफ का अगर मैं आपको मतलब बता दूं, या फिर इस तरीके से एक सेंटेंस की हिंदी करता चलूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आगे हम देखेंगे, ऐसी वीडियो लंबी नहीं होगी। कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट इज मच फास्टर एंड ईजियर विद द हेल्प ऑफ द सेटेलाइट इन द स्पेस। देखिए, इस तरीके से जो पहले और दूसरे सेंटेंस का जो मतलब निकलता वो है, हमको पता है जो आज का संसार है, आज का संसार कम्युनिकेशन के इन्वेंशन से, कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेज यूज करते हैं, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, या फिर रेडियो, टेलीविजन, उनके सहायता से जिनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसा लगता है ये संसार पूरा का पूरा छोटा हो गया है। और इस समय अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण जो है, आपस में आदमी एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और इस समय आप देख ही रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पर या सोशल वेबसाइट्स पर जितने प्लेटफॉर्म से, वहाँ आप इजीली कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये लिखे कम्युनिकेशन एट
छात्र एज ईयर विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट एंड एसपीएस। तो यहाँ ये चीज देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है सैटेलाइट की मदद से जो कम्युनिकेशन है आपका बहुत ज़्यादा फास्टर और ईजियर हो गया है। तो ये चीज़ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फास्टर और ईजियर किसकी हेल्प से हुआ है, वो हुआ है सैटेलाइट की हेल्प से। ठीक है, नॉट अलोंग वो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट सरप्राइज द होल वर्ल्ड बाय देयर वंडरफुल प्रोग्राम कॉल्ड स्पेस ब्रिज। तो एक एक चीज़ आप देखिए जरा, जो नोटेबल चीज़ है मैं उसको अंडरलाइन करता चल रहा हूँ यहाँ पर। आप देखिए कि जो स्पेस ब्रिज है ये वर्ड क्या कह रहा है, या देखिए नॉट लॉन्ग अब वो कम्युनिकेशन साइंटिस्ट सरप्राइज दिए, कम्युनिकेशन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम था स्पेस ब्रिज। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट के लिए सैटेलाइट जैसे हम सैटेलाइट भी सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी कम्युनिकेशन की, वो स्पेस ब्रिज थी। ठीक है, फाइव डिफरेंट कंट्रीज इसमें था क्या, इसमें देखिए इसमें था कि फाइव डिफरेंट कंट्रीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर लिंक्ड टुगेदर थ्रू सैटेलाइट। सबसे पहले पांच विभिन्न देशों को जोड़ा गया था इस सैटेलाइट से। इट वॉज इंडीड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन की फील्ड में स्पेस ब्रिज जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी या फिर जो प्रोग्राम बनाया था वहाँ पर, ये एक हकीकत में बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम था कम्युनिकेशन के फील्ड में। तो ये आपका पहला एक पहला आपका पैराग्राफ है। इसका मीनिंग सिर्फ ये, यहाँ हमने दो तीन चीज़ों को नोट किया है। यहाँ हमने नोट किया है कि अभी की प्रेजेंट टाइप में जो कम्युनिकेशन फास्टर और ईजियर हो रहा है वो हो रहा है सैटेलाइट की वजह से। तो स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़ती है उनकी वजह से, या फिर हम ऐसे कहें इसका एक और दूसरा सब क्वेश्चन बना सकते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट। ये चीज़ हम यहाँ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को हम आंसर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखने से आगे बढ़ेंगे तो ये कम्युनिकेशन, या फिर अब यहाँ से आएगा कि सैटेलाइट्स लॉन्च कहाँ से, प्रोग्राम आया कहाँ से ख्याल दिमाग में, ये शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत सबसे पहले ये हुई थी आपकी, सबसे पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था स्पेस ब्रिज के नाम से, वहाँ पर पूरे विश्व के पांच विभिन्न देशों को जोड़ा गया था एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है सर, ये तो पहला आपका पैराग्राफ था इस बुक का, इस चैप्टर का। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए देखिए जरा, सेकंड पैराग्राफ ये जो है आपका, यहाँ देखें यहाँ शुरू होता है कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द मैटर ऑफ ट्रांसमिटिंग। यहाँ पूरे पैराग्राफ में एक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको दी गई है। तो लिखा हुआ है साफ साफ देखिए पढ़ेंगे यहाँ से, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग आइडियाज। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में हम सीधा कह सकते हैं हमारे आइडियाज और थॉट्स जो होते हैं उनको ट्रांसमिट करना और रिसीव करना एक पूरी प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बताई थी। जिस तरीके से मैं आपको फिर द्वारा यहाँ से बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका सेंडर होता है और सेंडर के बाद यहाँ से इसके पास जो भी थॉट्स आते हैं वो उनको सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। और वहाँ पर इस तरीके से आपका अगर एक रिसीवर है, यहाँ सपोज करिए यहाँ रिसीवर है, यहाँ सेंडर है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेंडर के पास जो थॉट्स हैं वो आइडियाज हैं वो यहाँ से सेंड करता है और रिसीवर के पास, और वो उनको पूरी प्रोसेस होती है जो थॉट्स आइडियाज होते हैं उनको वो डिकोड एनकोड करता है। एनकोड करने के बाद यहाँ इसके पास सेंड कर दे, रिसीवर को जैसे ही मिलेगा उनको डिकोड करेगा, और यहाँ से जैसे डिकोड करेगा तो उसके बाद एक प्रोसेसर होती है रेस्पॉन्ड करेगा, और यहाँ से इस तरीके से रेस्पॉन्ड कर देता है तभी आपका कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो पाता है। सभी लोगों को ये बात पता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी आपने समझ ली है। चलिए तो हम इस तरीके से एक छोटी सी बात हमको यहाँ समझनी है, देखेंगे जरा क्या है कि सभी लोगों को पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करना और रिसीव करना, यही आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड द मैसेजेज इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एज वेल एज द सोसाइटी। ठीक है, इसका बहुत ही बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारी फैमिली के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जैसे सोसाइटी के लिए आवश्यकता होती है, वैसे ही पूरे विश्व स्तर पर पूरे बड़े स्तर पर इसका में आवश्यकता होती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक हैज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज एंड अल्टर द फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो इस समय अगर हम देखेंगे इसका प्रयोग समाज के साथ साथ और भी पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है, और अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन में जो हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर है उसको, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, मैं अभी अभी आपको एग्जांपल दे के चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी आप प्रेजेंट टाइम में घर बैठ करके अपने घर से किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। अगर आपको कहीं भी किसी भी वर्ड मीनिंग में दिक्कत आ रही है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सभी के नीचे आप देख रहे हैं सभी वर्ड मीनिंग्स के
जो सभी वर्ड्स के जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं सबके नीचे मीनिंग्स दे दिए हैं। अगर फिर भी अगर कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन नीचे बता देना, मैं उसका मीनिंग आपको बता दूंगा। वैसे आप सभी लोग होशियार हैं, इतना पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोग गूगल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए आपसे एक मैं बता देता हूँ आपके हेल्प के लिए। तो थर्ड पैराग्राफ में अगर आते हैं तो यहाँ देखेंगे कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है जो कम्युनिकेशन एनिमल्स के बीच में होता है, एनिमल्स किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, और पूरे पैराग्राफ में जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल दिया है बीज का, और उसके बाद से जो एक और एग्जाम्पल दिया है, और सबसे पहले बी वाले एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरे नंबर पर डॉल्फिन का एग्जाम्पल दिया है जो कि समुद्र में मछली होती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स इज इंटरेस्टिंग स्टडी, किस तरीके से इंटरेस्टिंग स्टडी है। बीज फॉर इंस्टेंस हैव अ रिमार्केबल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। उन्होंने मधुमक्खियों का एग्जाम्पल दिया है बीज का, कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो हकीकत में ही विचार योग्य है, हकीकत में ही उनके ऊपर हम जो है एक टिप्पणी दे सकते हैं, रिमार्क दे सकते हैं। किस तरीके से, व्हेन आर यू डिस्कवर अ सोर्स ऑफ नेक्टर इट फॉर्म्स द अदर बीज इन हाइव थ्रू अ स्पेशल डांस। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के निकल के आते हैं, यहाँ से हम इसे देख सकते हैं, अंडरलाइन करेंगे, इट इन्फॉर्म द अदर बीज इन द हाइव थ्रू अ स्पेशल डांस, ठीक है। जैसे किसी बी को एक नेक्टर दिखता है, कोई भी नेक्टर का सोर्स दिखता है, तो एक स्पेशल डांस होता है उसके थ्रू, वो जो है दूसरी अदर बीज होती हैं उनको इन्फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या होता है, द लोकेशन ऑफ द सोर्स इज कम्युनिकेटेड बाई द काइंड ऑफ द डांस। सारे के सारे एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। द लोकेशन ऑफ द सोर्स इज कम्युनिकेटेड बाई द काइंड ऑफ द डांस। जो लोकेशन है वो डांस का तरीका क्या है, किस तरीके से डांस कर रहे हैं उस तरीके से वो बताते हैं। द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ द डांस इज अमाउंट ऑफ द नेक्टर बाई द विगोरनेस ऑफ द डांस, ठीक है। तो डांस करेंगे और डांस का जो एंगल ऑफ एक्सिस होता है उससे तो आपका डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन पता चलेगा किस दिशा में आपका नेक्टर है, और जो अमाउंट क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ द नेक्टर बाय द विगोरसनेस, डांस कितना तेज है या कितना स्लो है उसकी तरीके से हम पता कर सकते हैं। कि डांस अगर स्लो है तो वो समझ जाएंगे वहां पर ज्यादा नेक्टर नहीं है, अगर ज्यादा ही खुशी में डांस कर रहे हैं तो वहां पर आपका नेक्टर जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा। रिसेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सी क्रीचर टॉक। और अभी अभी मीन्स अभी फिलहाल ही में पता चला है, अध्ययन से पता चला है कि जो समुद्री जीव होते हैं वो भी आपस में बात करते हैं। डॉल्फिन एमिट अ डिस्टिंक्ट नोज टू सीक हेल्प एंड स्टडीज हैव अंडरटेकन टुवर्ड रिसीविंग कम्युनिकेशन विद द एक्वेटिक एनिमल्स। जो डॉल्फिन होती हैं वो एक प्रकार का शोर करती हैं जब उनको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत होती है, तो आपस में डॉल्फिन की आपने आवाज़ सुनी होगी। तो ये सारी की सारी स्टडीज हैं एनिमल, और उनमें से दो को तुम्हारे सामने रख दिया गया है, आप लोगों के सामने इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से बीज कम्युनिकेट करती हैं और किस तरीके से डॉल्फिन को जब भी किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत होती है तो एक तरीके का शोर करती हैं जिससे कि उनको बाकी उनकी जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं पता चल जाता है किसी को हेल्प की जरूरत है। और वही ह्यूमन बॉडी में भी और ह्यूमन बींग में भी होता है, किस तरीके से सभी लोगों को जरूरत होती है हेल्प की, क्योंकि हमारी तो एक लैंग्वेज है बात करने की, तो हम लोग शोर कर देते हैं या फिर किसी तरीके से बात कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन इनकी अपनी अलग लैंग्वेज है। जैसे बीज के बारे में हमने जाना, बीज किस तरीके से डांस करके अपना बताती हैं, किस तरीके से इसका एंगल क्या है, किस दिशा में आपका नेक्टर मिलेगा, तो वो एक्सेस ऑफ द डांस से पता चलता है, और नेक्टर का अमाउंट क्या है तो वो विगोरसनेस डांस किस तरीके कितना जोर शोर का वो डांस करती है उस तरीके से उसका पता चल जाता है। और ऐसे डॉल्फिन के बारे में, तो चलिए ये आपका थर्ड स्टैंडर्ड था। नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है आपका वहाँ देखेंगे हम क्या है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आपके सामने नेक्स्ट पेज है, इसको जरा मैं जूम आउट जूम इन कर देता हूँ तो ज़्यादा साफ दिखेगा आपको। अब आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ आप देख पा रहे हैं। यहाँ यह लिखा है, अब इसमें हमारे जो पहले एंशंट रहते थे एंशंट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से वो अपने कम्युनिकेशन को अंजाम देते, कैसे कम्युनिकेट वो करते थे। तो यहाँ देखेंगे चौथे पैराग्राफ में यहाँ जानेंगे, प्रिमिटिव मैन ड्रू, थोड़ा सा इसमें क्वालिटी डल है, कोई इशू नहीं, लेकिन मैंने जूम इन कर दिया तो इजीली आप देख पा रहे होंगे। प्रिमिटिव मैन ड्रू एंड पेंटेड ऑन के वॉल्स टू कन्वे मैसेजेस, दे यूज साइंस एंड सिंबल्स। जो पुरातन आदमी थे, जो पिछले समय में हमारे पूर्वज जो होते थे, वो क्या करते थे, वो पेंट करते थे और आकृतियां बनाते थे जिन गुफाओं में वो रहा करते थे। इसका मतलब इस लाइन से पता चलता है, पुराने आदमी जैसे भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर जियोग्राफी पढ़ते हैं, हमको पता चलता है हिस्ट्री में भी कि
पहला जो आदमी था, आदमा जैसे कहते हैं, वो गुफाओं में रहता था और कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते थे, वो अपनी गुफा के दरवाजों पर कभी तो वो पेंट बना देते, कभी पेंट करते थे, कभी आकृतियां बना देते थे, ठीक है ना, अपने मैसेज को देने के लिए। और उनकी कुछ अपने स्पेशल सिंबल्स और साइंस होते थे। उस साइंस का मतलब नहीं, आज फिल्म देखी जरा, SIGN ऐसे, वो SIGN नहीं है, साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, ये चिन्ह है होता है, ठीक है। एज अ मैंस नॉलेज एक्सपेंडेड, राइटिंग बिकेम नेसेसरी इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। और जिस जिस तरीके से आदमी की जानकारी बढ़ती गई, उस जानकारी के हिसाब से अब जो लिखावट थी वो जरूरी होती गई आदमी को अपना अपनी जानकारी देने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। फ्रॉम राइटिंग ऑन एनिमल टिश्यूज मैन मूव टू यूजिंग पेपर, ऑफ राइटिंग ऑन द फॉलोइंग डिस्कवरी ऑफ पेपर मेकिंग बाई द चाइनीज अराउंड द 5th सेंचुरी BC, द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी AD। देखिए ऐसा है, अभी यहाँ तक देख लेते हैं हम, कि जिस इस तरीके से आदमी को जानकारी होती गई, नॉलेज होती गई, उसी तरीके से आदमी अपने रिवोल्यूशन अपने अंदर लेता गया, बदलाव लेकर लेकर के आता रहा, चेंज लेके आता रहा। हमको पता चल, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले तो केवल अपनी गुफाओं पर वो ड्राइंग्स बना दिया करते थे, पेंट कर दिया करते थे, सिंबल्स और साइंस को यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आदमी थोड़ा सा और ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, उसकी बुद्धि ने काम थोड़ा करना ज़्यादा शुरू किया, तो पता चला कि उन्होंने वो एनिमल टिश्यूज के ऊपर, उन आदमियों मनुष्यों सॉरी जानवरों की खाल होती थी उसके ऊपर वो लिखना शुरू कर रहे थे। फिर वहाँ से धीमे धीमे करके आदमी ने पेपर का भी डिस्कवरी कर ली। पेपर को डिस्कवर करने के बाद वो पेपर पर लिखा जाने लगा। और धीमे धीमे करके फिर देखिए क्या है, चाइना में कोई 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व जो है, BC में मतलब बिफोर क्राइस्ट, 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, उन्होंने क्या किया था, पेपर को डिस्कवर कर लिया था इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी AD। और 15वीं शताब्दी में ईसा बाद में, ईसा मसीह के बाद में, तो द जर्मन पेंटर गुटेनबर्ग, जर्मन पेंटर गुटेनबर्ग, ऐसे आप नोट कर सकते हैं, 15वीं शताब्दी में, वो जर्मनी के थे जॉन गुटेनबर्ग, इन्होंने एक सबसे पहली प्रिंट मशीन जो होती है इन्होंने बनाई थी, यूज टू मूवेबल टाइप ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द यूरोप टू प्रिंट द बाइबल। और सबसे पहली जो बुक थी वो क्या प्रिंट की थी, बाइबल। तो यहाँ से आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो 15वीं शताब्दी में जर्मन थे जॉन गुटेनबर्ग, इन्होंने सबसे पहले प्रिंट किया, और सबसे पहले यूरोप में क्या प्रिंट किया था, बाइबल प्रिंट की थी, ठीक है ना। तो जैसे हम कहीं भी ले जा सकते थे, कहीं भी ला सकते थे आसानी से। तो जो पहले है, पहले वाला, इनसे पहले 5वीं शताब्दी तक आदमी क्या करता था, लिखने की कोशिश तो करता था एनिमल टिश्यूज पर, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाते थे, उनको ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले इनसे लाइट बाइबल कागज पर छाप करके बनाई, और साफ थी, सरल थी देखने में, और हल्की भी थी। दिस टेक्निक वाइंडेड वाइडन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड लेड रेडिकल चेंजेस इन द मैन थिंकिंग एंड द लिविंग। और इस ये जो तकनीक थी, ये पूरी दुनिया भर में फैली, और जिस तरीके से फैली वहाँ, एक इसने पूरी विश्व भर में इस तरीके से क्रांति ला करके खड़ी कर दी, जॉन गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस जो खोली थी उससे। चलिए अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आ सकते हैं, आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इसे आप इसे भी आसानी से देख रहे हैं, इसमें क्या है, 5वीं पैराग्राफ में दिया है, अर्ली मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूडेड ड्रम बीट्स। अब जो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इस समय करते हैं, इस समय हम करते हैं फोन से, अपने कंप्यूटर से, किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, लेकिन एंशिएंट पर्सन क्या करता था, वो किस तरीके से जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले कम्युनिकेशन होते थे उन्हें कैसे करे, तो उनके पास अपनी अपनी अलग अलग तरकीबें होती थी। जैसे यहाँ पर हमारे सामने कुछ दिखाई गई हैं, हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन अर्ली मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इंक्लूड्स ड्रम बीट्स, फायर स्मोक्स, सिग्नल्स एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज द रैम्स हॉर्न। ठीक है, देखिए पहले क्योंकि इतने ज़्यादा साधन नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, ड्रम बीट्स ढोल बजा करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, फायर स्मोक सिग्नल्स, आग लगा करके धुआं उठा देना उसे पता चल जाता था। ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए फायर स्मोक सिग्नल का यूज जो किया जाता था, वो किया जाता था किसी से हेल्प, अगर किसी को हेल्प की जरूरत होती थी तो वो फायर स्मोक सिग्नल का यूज करते थे, एंड द इंस्ट्रूमेंट सच एज द रैम साउंड और बिगुल बजा करके वो जो है इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो अब इस चीज को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज और आई है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी ने
टीवी पर देखा होगा, एक प्रोग्राम आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें जंगल में किस तरीके सर्वाइव करना है ये सब कुछ दिखाया जाता था। वहाँ देखा होगा आपने, जैसे ही पूरे जंगल में सर्वाइव करने के बाद में लास्ट प्रोग्राम के लास्ट में वो क्या करता है, वो कोई हेलीकॉप्टर दिख जाता है या कुछ भी जरूरत पड़ती है, तो सबसे लास्ट में वो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा करके, लकड़ी इकट्ठा करके जलाने वाली, क्या करता है वो वहाँ पर आग लगा करके धुआं उठा देता है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पर कोई आदमी है। जो भी वहाँ से नज़दीक से निकलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई आदमी है, जैसे हमारी ज़रूरत की जैसे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर सिग्नल देख करके पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या है, ड्यूरिंग द मिडिल एज होमिंग पिजन्स वर यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। जब मध्यकालीन में आ जाएंगे, मध्य युग में, तो वहाँ पर होमिंग पिजन्स मीन्स जो पालतू कबूतर होते थे उनको यूज किया जाता था, जैसे राजा महाराजाएं। अब आपको फिर दोबारा से एक गाना, एक होमिंग पिजन शब्द को सुनकर के आपके दिमाग में एक गाना आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दिमाग में तो आ गया है, कबूतर जा जा जा, आपने गाना सुना होगा जो मिडिल एज से बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो वही कबूतर जा जा हुआ करता था पहले, जो भी किंग्स होते थे या फिर जो भी आदमी कबूतर पालने की हैसियत रखता था, कबूतर पालते थे, अपना मैसेज लिखा उसके पंजे में, बस उसे टाई कर दिया, जो बस उसे डायरेक्शन दे दिया जा रहा था कहाँ जाना है, तो कबूतर अपने संदेश लिए पहुँचाया करते थे। तभी तो ये गाना बना है, कबूतर जा जा, ऐसे कैसे बन जाता, ये भी बात हकीकत है। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ मोर्स कोड बाई सैमुअल फाइनल ब्रीज, मोर्स ऑफ द यूएसए इन 1837 टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन केम टू द एग्जिस्टेंस। अब देखिए ये जो चीज़ है आपकी, सारी लाइन मैंने कहा था, एक एक लाइन जो भी है आपकी इंपॉर्टेंट है उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे तो, हालांकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, इन्हें आप अंडरलाइन करिए या मत करिए, लेकिन ये चीज़, ये वाली लाइन जो है आपकी अंडरलाइन करने वाली है, विद द इन्वेंशन ऑफ द मोर्स कोड। ठीक है ना, मोर्स कोड, और वो किसने इन्वेंशन किया था, बाई सैमुअल फाइनल ब्रीज, पूरा नाम था इनका सैमुअल फाइनल ब्रीज मोर्स, यूएसए के थे ये, 1837 में इन्होंने टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को अंजाम दिया। ठीक है, 1837 में, और जो टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन जिस मेथड पर काम करता है उसे कहते हैं मोर्स कोड। ठीक है सर, तो यहाँ से क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ये मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा तैयार करके, तो आप इसे फिलहाल अपनी किसी भी जगह पर लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखते रहना तो आपको ध्यान रहा आएगा। खैर, मैं आपको पीडीएफ में तो प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ गौर करेंगे तो मोर्स कोड जो था सैमुअल फाइनल ब्रीज मोर्स ने, यूएसए के थे ये, 1837 में टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन को अंजाम दिया। इसके बाद से द अमेरिकन फिजिसिस्ट एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन, अब ग्राहम बेल का नाम सुनकर के सभी के दिमाग में बात आ गई होगी, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1876 में, एंड दिस मेड ओरल कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस इज पॉसिबल। ठीक है ना, अब टेलीफोन का आविष्कार होने के बाद से हम दूरी पर रहने वाले लोगों से ओरल कम्युनिकेशन कर सकते थे। टेलीग्राफिक से क्या होता, टेलीग्राम और टेलीग्राफ से क्या होता था कि हम अपना जो भी चीज़ खत भेजना चाहते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक मीडिया मीन्स टेलीग्राफ के मदद से उसे हम भेज देते थे, जल्दी पहुंच जा रहा था। लेकिन अब ग्राहम बेल ने 1876 में आकर के टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, इससे हम ओरल कम्युनिकेशन मीन्स किसी से भी बात आसानी से कर सकते थे। द जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रिडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए जरा, सारी चीज बिल्कुल याद करने वाली है, अभी हम फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं आप। तो ये जो थे आपके जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन 1887, दस लेइंग द टेक्निकल फाउंडेशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। ठीक है, अब यहाँ से 1887 में आकर के हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, अब से पहले टेलीग्राम को जहाँ भी वायर्ड कम्युनिकेशन होता था इलेक्ट्रॉनिक, वहां से तार की सहायता से किया जाता था, टेलीफोन को भी तार की सहायता से ही हम बात कर सकते थे, लेकिन रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1887 में आकर के वायरलेस टेलीग्राफी को अंजाम दिया। भाई साहब, इन्होंने आपके सामने एक और नई चीज रख दी, वो थी वायरलेस टेलीग्राफी। अब यहाँ पर आपको तार की जरूरत नहीं होती थी, केस की जरूरत होती थी, आपको सिर्फ सिग्नल चाहिए और आपके पास सेटेलाइट होनी चाहिए और आपके पास वो डिवाइस होनी चाहिए जिससे आप टेलीग्राम कर सकें, टेलीग्राफी कर सकें, तो आप किसी तार की जरूरत नहीं रहती थी, बस आपके पास सिग्नल होना चाहिए, वहां से फटाफट से आप टेलीग्राम कर दीजिए। उसके बाद से आगे मार्कोनी महोदय, अब मार्कोनी जी ने क्या किया, ये इटली के थे, इन्होंने इन्वेंट कर दिया आपका रेडियो। ठीक है, नाम पता होगा आपका मार्कोनी जी का, तो
तो यहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि सिग्नल पर और वेवलेंथ पर काम करता है। रेडियो आपने, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो, हमने तो खैर हमारे सामने तो रेडियो रहा था, हमने तो रेडियो पर बहुत काफ़ी सारे एफएम सुने हैं, और आज भी मोबाइल में कभी कभी, जहाँ तक है अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें से एफएम को हटा दिया है, बाकी मोबाइल में भी एफएम आया करता था। और रेडियो मिर्ची नवेल को आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोग अभी बउआ को भी आप सुनते ही होंगे। तो वो क्या है, वो एफएम के आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, और वो रेडियो पर काम करते हैं और आज भी रेडियो काम करता है, ठीक है। और 1920 में क्या हुआ, सेलुलर रेडियो स्टेशन बिगिन टू ट्रांसमिटिंग, एंड 1926 में सबसे पहला रेडियो स्टेशन नेटवर्क था, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एनबीसी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वाज फॉर्मड इन यूनाइटेड स्टेट। तो सारा का पूरा पैराग्राफ आपका जानकारी से भरा हुआ है, आप इस पूरे पूरे पैराग्राफ को लिखिए, याद करिए, नहीं तो आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमारी शुरू हुई थी 1837 से, जहाँ सैमुअल फाइनल ब्रीड ने टेलीग्राफ की कम्युनिकेशन को इन्वेंट किया था। उसके बाद से आ गए थे आपके एलेक्जेंडर ग्राम बेल, इन्होंने टेलीफोन को अंजाम दिया, टेलीफोन का इन्वेंशन कर दिया 1876 में आकर के, जिससे आप ओरल कम्युनिकेशन कर सकते थे। और उसके बाद से आ गए आपके हेनरी रोल्फ हर्ट्ज, जिन्होंने क्या किया 1887 में वायरलेस टेलीग्राफी को अंजाम दे दिया, इन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी को इन्वेंशन कर दिया। उसके बाद आगे मार्कोनी महोदय, मार्कोनी महोदय ने क्या कर दिया है, मार्कोनी महोदय ने आकर के भाई साहब आपको रेडियो ट्रांसमिशन सिखा दिया। अब इसके बाद आप कोई भी अपनी बात, मन की बात है, मन की बात तो सुनते हो, नहीं सुनते हो, नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। खैर मन की बात आप सुन रहे हैं आजकल रेडियो पर, जिस रेडियो पर, जिस एफएम पर, तो वो किसकी मेहरबानी है, वो मेहरबानी है मार्कोनी जी की, जो कि मार्कोनी ने आकर के को अंजाम दिया, ठीक है ना। उसके बाद से 1920 के बाद से, 1920 से शुरू हुआ था, बहुत सारे रेडियो स्टेशन को बना दिया गया यूएसए में। 1926 में पहला नेटवर्क बना था, इसका नाम था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और ये कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया गया, ठीक है। चलिए ये था आपका पांचवा पैराग्राफ, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जरा छठवें पैराग्राफ पे आ जाते हैं। छठवें पैराग्राफ में देखेंगे जरा क्या दिया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर, और अब आप मेरे ख्याल से ठीक से देख पा रहे हैं। चलिए, यहाँ दिया हुआ है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पिक्चर कम्युनिकेशन हैज लेड टू द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन। अब जो हम आजकल वीडियो कॉल कर पाते हैं, या फिर कोई भी मीडिया जैसे अपने फोटो शेयर करना या फिर वीडियो शेयर करना, वो कब से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत होती है टेलीविजन के आविष्कार से, ठीक है। अब टेलीविजन कब हुआ या इसे हम देखेंगे, कम्युनिकेशन सेटेलाइट हैव मेड इट पॉसिबल ट्रांसमिट प्रोग्राम्स बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, जगह जगह पर, ठीक है, जगह जगह पर कॉन्टिनेंट्स में इसको जो सेटेलाइट थी उनको सेट कर दिया गया। इवेंट्स कैन बी सीन एज दे हैपन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी ज़्यादातर विश्व के किसी भी कोने में कोई भी इवेंट होता था उसे हम टेलीविजन पर देख पा सकते थे, ठीक है। इसके बाद आइए, क्लोज सर्किट टेलीविजन इज बीइंग यूज्ड इन द बेंच टू आइडेंटिफाई चेक्स बाई एयरलाइंस प्रेजेंट फ्लाइट इंफॉर्मेशन एंड बाई डॉक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट सर्जिकल ऑपरेशन। अब इसके बाद से देखिए, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नॉलेज डीपली, इतनी डीप नॉलेज नहीं दी है, बस इसमें इतना दिया गया है कि टेलीविजन के आने के बाद ही आपके सामने, बाय द वे आपके लिए एक टास्क ये भी मैं दे देता हूँ कि अब आप ये चीज़ पता कर लेना, टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया और कौन सी सन में किया था, कहाँ के थे वो, ये सारी जानकारी आपको पता करके बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से इस पैराग्राफ में पूरे में ये दिया गया है आपको, मैंने एक जिसे हम कह सकते हैं होमवर्क या फिर आपके लिए असाइनमेंट, ये है, क्या असाइनमेंट है आपके लिए, कि आप पता करके बताएंगे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया और कब किया, ठीक है, किस देश से वो बिलोंग करते थे, पूरी हिस्ट्री निकाल करके आप देंगे। बाकी यहाँ आपके पास तो ये दिया गया है कि टेलीविजन के आविष्कार दुनिया में जैसे पिक्टोरियल क्रांति आ गई थी, जैसे पिक्चर इन्फॉर्मेशन जो भी हमको शेयर करनी होती थी उसे हम शेयर कर सकते थे। उसके बाद से सीसीटीवी कैमराज आजकल जो घर घर में लोग लगवा करके बैठे हुए हैं, गली के नुक्कड़ पे लगा हुआ है, उससे पहले जरूरी जगहों पर जैसे बैंक में हो गया या फिर एयरलाइंस में हो गया या फिर फ्लाइट्स में हो गया, उस तरीके से अपने बैंक में उनको चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता था, एयरलाइंस में प्रेजेंट फाइल इंफॉर्मेशन, फ्लाइट इंफॉर्मेशन जो भी होती थी उसको देखने के लिए किया जाता था, और डॉक्टर्स करते थे सर्जिकल ऑपरेशन, आज भी किया जाता है और पहले भी, ठीक है ना। द रिसेंटली डेवलप्ड लेजर कैपेबल ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैसेज ऑन अ सिग्नल बीम लाइट, द कंप्यूटर एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर विच इज द हेल्पफुल टू स्टोर
रिसीव ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द कम्युनिकेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए मैटर है नहीं। छठवें पैराग्राफ में, बस छठवें पैराग्राफ में से आप इतना जानकारी रख सकते हैं किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन आया टेलीविजन के बाद से, किस तरीके से हम सर्जिकल या फिर टेलीविजन का यूज भी, कंप्यूटर का यूज भी हम किस तरीके से कर रहे हैं आजकल, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद से हम आ जाते हैं सातवें पैराग्राफ में। सातवें पैराग्राफ में हम देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। यहाँ थोड़ी सी बात काम की हो रही है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर इंडीड अ बोन टू द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है कि एक वरदान साबित हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये सैटेलाइट का, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जो हम यूज करते हैं वो। एनी अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट दैट प्रोवाइड्स रेडियो टेलीविजन एंड हेक्सीमाइल कम्युनिकेशन बिटवीन पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ऐसा कोई भी अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट जो कि पृथ्वी के कक्ष में जो भ्रमण कर रहा है स्पेस क्राफ्ट, वो क्या करता है, हमको रेडियो टेलीविजन और फेस्टिवल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, वो क्या है पूरा का पूरा, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब उसे आप कोई दूसरा उपग्रह ना समझ लें, ऐसा कोई भी उपग्रह है जो कि हमें रेडियो टेलीविजन या फिर ऐसी कृपा ऐसी उसी प्रकार से संप्रेषण से संबंधित कोई भी सुविधा उपलब्ध कराता है उसे हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कह सकते हैं, संप्रेषण उपग्रह कहते हैं। देयर आर पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यहाँ पर कम्युनिकेशन के सैटेलाइट के बारे में हमको जानकारी दी है। दो तरीके की सैटेलाइट होती हैं, पहली तो होती है पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट और दूसरी होती है आपके पास एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दो तरीके सैटेलाइट के बारे में जिक्र किया गया है, एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट और पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये ध्यान में रखेंगे, द पैसिव वंस रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल्स इन द मच सेम वे। दोनों का काम सुन लीजिए जरा क्या क्या होता है। द पैसिव वंस रिफ्लेक्ट द रेडियो सिग्नल इन मच सेम वे एज अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट। उसी तरीके से पैसिव सैटेलाइट का काम जो होता है ऐसे, ये रेज को जो सिग्नल वेज जो होती है, रेडियो सिग्नल वेज सिग्नल्स होते हैं उनको इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है जैसे शीशे पर, जिस तरीके से मिरर जैसे तो दर्पण आपका सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दे कैरी नो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड नो रेडियो एंटीनाज। उनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होता है और ना ही कोई रेडियो एंटीना उनके ऊपर लगा होता है। द अमेरिकन सैटेलाइट कॉल्ड इको वन एंड इको सेकेंड, इको वन और इको टू, इनको 1960 में लॉन्च किया गया था, अमेरिकन सैटेलाइट थी। ठीक है, और ये पैसिव सैटेलाइट थी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके सामने, अमेरिकन सैटेलाइट थी ये कॉल्ड इको वन और इको सेकेंड, 1960 में इनको लॉन्च किया गया था। और कैसी सैटेलाइट थी, ये पैसिव सैटेलाइट थी भाई साहब, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक्टिव सैटेलाइट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग स्टेशन ऑन द ग्राउंड एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू द रिसीविंग स्टेशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द रिसेप्शन ट्रांसमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलर सेल्स ऑन द सैटेलाइट। जो एक्टिव सैटेलाइट क्या होती है, वो क्या करती, उसका काम होता है उस सिग्नल को रिसीव करेगी जहाँ से भी, जमीन से भी, जमीन के जैसे हिस्से भी से सिग्नल दिए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या करती है, उन्हें ट्रांसमिट करती है जिस जगह पर उनको भेजा जा रहा है। ये उसका काम है, क्या टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो सैटेलाइट का और साइंटिस्ट का काम है। बस आपको तो अपना मैसेज और सिग्नल जो भी है छोड़ देना है, सैटेलाइट का काम है, उसके पास जाएगा, उसे रिसीव करेगी और किस जगह भेजना है, किस तरीके से भेजना है उसे पता है। जो भी टेक्नोलॉजी काम करेगी वहाँ से वो जो रिसीवर है उसके पास ट्रांसमिट कर देगी। और ये काम कैसे करती है, काम करती है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है, बिना इलेक्ट्रिकल पावर के काम करने में असमर्थ रहेगी। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से आती है, इसके ऊपर बैटरीज लगी होती हैं और जो कि सोलर एनर्जी से चार्ज होती है, इन्हें पावर मिलती रहती है। ठीक है ना, और इसके ऊपर एंटीनाज भी लगे रहते हैं सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ये आपकी एक्टिव सैटेलाइट पैसिव सैटेलाइट दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब लास्ट में एक और सबसे लास्ट का बस जो उसकी क्लोजिंग लाइन है, इसे देखिए, ऐसे आठवां पैराग्राफ का नाम दे सकते हैं, नहीं तो एक क्लोजिंग लाइन ही मैं वैसे बता रहा हूँ, केवल क्लोजिंग लाइन है। फिर देखेंगे जरा, द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर एंड इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पीपल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस नई तकनीक से विश्व के समस्त मानवों को एक दूसरे को समझने के लिए व एक दूसरे के पास लाने में एक शक्तिशाली माध्यम दिया है वैज्ञानिक, और विज्ञान ने हमको जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माध्यम जो दिया है वो है सैटेलाइट, जिससे हम कम्युनिकेट करके एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। पहले तो अगर जो व्यक्ति विज्ञान के बारे में या फिर जो व्यक्ति किसी प्रकार की पावर में नहीं है उसे वो तो भूल ही जाता था, आदमी बिल्कुल ही
इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ था कि हम कभी भी विदेश भी जा सकेंगे या फिर कभी भी दूसरे लोगों से, दूसरे देश के लोगों से मिल भी सकेंगे या नहीं। और हमें तो ये भी नहीं पता है कि क्या उनके दिमाग में कभी ये ख्याल भी आते थे कि हमारे देश के अलावा कोई दूसरा देश भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन सेटेलाइट का, साइंस का और साइंटिस्ट का ही हमारे लिए एक बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, अनमोल तोहफा है। जैसे हम कम्युनिकेशन करने के बाद बहुत सारे लोगों से, अब आप सभी लोग इतना स्टडी कर रहे हैं आज के समय में, आपके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल फोन हैं, किसी रिश्तेदार के पास फटाफट से फोन लगाया और घुमा दिया तो आप फटाफट वीडियो कॉल भी करके बात कर लेते हैं। और टेक्निकल स्टूडेंट हैं आप सभी लोग, आपको पता ही होगा, जानने के इच्छुक आप सभी लोग हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है और अब से पहले किस तरीके से लोग काम करते होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। खैर, अब आपके लिए, आपके सामने एक जो पहला चैप्टर था हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का, वो ख़त्म हो गया है। इसे हमने ख़त्म कर दिया है। आपके सामने पूरी बुक को मैंने, जो भी चैप्टर था उसे, पूरे टेक्स्ट को ला करके रखा और उसको मैंने रीड आउट किया, फिर उसे मैंने बताया भी, समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी वर्ड मीनिंग में या फिर किसी को कैसी भी दिक्कत आ रही है, मैं वैसे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी बात समझ में नहीं आई है, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा मैं। तो आप फटाफट से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका फ़ायदा अल्टरनेट उसमें होना ही होना है। तो गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारे लिंक मैंने दे दिए हैं। और आपका एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी है फंक्शनल कम्युनिकेशन वाले बच्चों की, वहाँ पर आपके लिए लिस्ट वाली लिस्ट देखेंगे। जैसे ही आप वीडियो में जाएंगे, प्ले लिस्ट ओपन करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कम्युनिकेशन की वीडियो आपको उसमें मिलेंगी। बाकी और वीडियो देखने के लिए आपको दूसरी प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा या फिर कहीं उसको एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अंत में जाते जाते आप सभी लोगों से एक बार फिर एक ही रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो अपने सारे उन दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें, उनको बता दें जिनको स्टडी के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उन सभी से कह दें वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मटेरियल मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। मुझे कमेंट में किसी ने बताया था कि नाम मैं नहीं ले रहा, मैं यहाँ कहा था कि सर बुक कहाँ से लें, कैसे लें, तो मैंने सीधी सीधी आपके लिए PDF बना करके पूरी बुक की पटक दी है, टेलीग्राम से आप इसे ले लीजिए। ठीक है, और यही मैंने गूगल क्लासरूम में भी उसकी PDF डाल दी थी, जिससे कि आपको बुक मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी जो आपका होगा, सेकेंड नंबर चैप्टर है इसी बुक का, सेकेंड चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हम दो चैप्टर फिर हिंदी के भी पढ़ेंगे, दो इसके पढ़ेंगे तो हिंदी के पढ़ेंगे, तो जल्दी ये हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में चैप्टर आया है। अगले वीडियो के लिए आप जरूर उत्साहित होंगे। अगर आपकी वीडियो समझ आपकी समझ में वीडियो आया है तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।